सफेद पब्लिक जी न्यूज यानी कि ग्वालियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। पेश है आज की मुख्य स्टोरी। यूं तो लोग कहते हैं कि सरकारी विभाग काम नहीं करते, पर आज हम आपको अपनी स्टोरी में एक ऐसे सरकारी विभाग के बारे में बताएंगे जिसका काम काबिले तारीफ है। आर्थिक असुरक्षा से जूझते असंगठित श्रमिक बहनों भाइयों की बेहतरी के लिए संकल्पित मध्य प्रदेश सरकार उन्हें आर्थिक विकास के साथ ही सामाजिक बेहतरी, उनके बच्चों को बेहतर शिक्षा तथा अन्य सुविधाएं देने के लिए योजनाओं पर प्रभावी अमल किया जा रहा है। इसमें नगर निगम ग्वालियर सक्रिय भूमिका निभा रहा है। इसके कर्मचारी और अधिकारी शिविर लगाकर उन्हें लाभान्वित करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को इन योजनाओं के तहत दिया जा रहा है लाभ। जनकल्याण प्रसूति सहायता, जनकल्याण अंत्योष्टि सहायता, जनकल्याण अनुग्रह राशि भुगतान, पहली कक्षा से पीएचडी शैक्षणिक शुल्क से छूट, व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश, प्रतियोगी परीक्षा हेतु निशुल्क कोचिंग प्रशिक्षण, जनकल्याण उपकरण अनुदान, स्वरोजगार हेतु ऋण सब्सिडी, असंगठित श्रमिकों एवं उनके परिवार के लिए निःशुल्क इलाज की व्यवस्था, ई रिक्शा एवं हाथ ठेला चलाने वाले को ई लोडकर अनुदान, में वृद्धि हेतु निशुल्क ट्रेनिंग की सुविधा, श्रमिकों को ₹200 फ्लैट रेट पर विद्युत उपलब्ध। कौन है असंगठित श्रमिक? असंगठित श्रमिक से आशय उस व्यक्ति से है जो नौकरी, स्वरोजगार, घरों में नियोजन, वेतन हेतु कार्य, किसी ऐसे कार्य में नियोजन जो किसी एजेंसी, ठेकेदार के माध्यम से या प्रत्यक्ष रूप से कार्यरत हो, जिन्हें भविष्य निधि, ग्रेच्युटी आदि सामाजिक सुरक्षा का प्राप्त नहीं होता है, तथा जिनके पास 1 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि नहीं हो, जो शासकीय सेवा में नहीं हो, जो आयकर दाता नहीं हो। हितग्राही से आशय है ऐसे संगठित असंगठित श्रमिक जिसे मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। परिवार, परिवार से आशय है असंगठित श्रमिक के परिवार के निम्न सदस्यों से है, जैसे पति, पत्नी, आश्रित पुत्र या पुत्री। उत्तराधिकारी से आशय है असंगठित श्रमिक के पति, पत्नी, पुत्र एवं पुत्रियां, माता एवं पिता, भाई एवं बहन। स्थायी अपंग से आशय है दोनों आंख या दोनों हाथ या दोनों पैर की हानि से है। आंशिक स्थायी अपंग से आशय है एक आंख या एक हाथ या एक पैर की हानि से है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।